शहर के नारी उत्थान केंद्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर 26 साल से एक साथ रह रहे पति पत्नी में विवाद इस कदर बढ़ा कि शौहर ने महज इस बात पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसमें पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी। जब यह मामला काउंसलिंग के लिए नारी उत्थान केंद्र पहुंचा, तो यहां काउंसलर ऋतु नारंग ने दोनों पत्नी पत्नी को सुना और उसके बाद उन्हें समझाया गया, जिसके बाद दोनों सहमति हो गए और तलाकनामा फाड़ दिया। कि जब एक गांव के दो बुज़ुर्ग आते हैं और हम लोग कहते हैं अपने बेटा बेटी को भेजिए अंदर, माँ बाप नहीं आ सकते, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ही दूल्हा दुल्हन हैं, हम ही यहाँ पर तलाक के लिए आए हैं। तो जब उनको बिठाया गया, उनसे बातचीत करी गई, तो मालूम चला एक छोटी सी बात को लेकर पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हम थक गए हैं। अब पूछा गया कितने साल शादी को हो गए, तो 26 साल उनकी शादी को पूरे हो चुके थे और 27वां लगा हुआ था उनकी शादी को। और उसके बाद जब उन्होंने कागज़ दिखाया, तो उस कागज़ में बायकदा एक फ़ोटो चिपकी हुई थी अपने हस्बैंड की, और पूरा अच्छा खासा लेटर था और पूरा लिखा था लास्ट में लाइन कि पहला तलाक मैंने इसे दिया है। तो जब ये बात पूछी गई कारण क्या है, आखिर इतने साल बाद ना यहाँ बैठना शोभा देता है, ना ये बात कहने में शोभा देती है आपकी उम्र को, तो जब फिर मालूम चला कि बस बात इतनी सी थी कि पत्नी जो थी बिना बताए अपने मायके चली गई थी। जब वो बिना बताए मायके चली गई, लेकिन आ वापस अपने आप गई थी, उसने ऐसा कोई बॉन्डेशन नहीं डाली थी कि वो उससे पूछ के आए या उसे लेने वो जाए हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने आप ही वापस आई थी। तो जब इसको बात समझाई गई कि जब वो झगड़ा तो नहीं करा ना उसे तुमसे, ना ही उसने तुमको कुछ गलत बोला, ना ही वो सिर्फ अपने मायके गई है, मिल के वो वापस भी आ गई। हाँ, यही लगा था, हमने ये बोला भी था उनको कि आप अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि हमारे वहाँ पर हम पति पत्नी से जो बच्चे होते हैं उनसे बात करते हैं, ना हम वहाँ पर बड़े आते हैं, ना वहाँ पर लॉयर्स आ सकते हैं अंदर। तो उन्होंने कहा मैं ही दूल्हा हूँ, मैं दुल्हन हूँ और हम दोनों आए हैं, हमारा डाइवोर्स का मामला है, ये बात उन्होंने कही। हाँ, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि इस उम्र में भी गुस्सा लोगों के अंदर इतना ज़्यादा है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब वो वापस वहीं पर ही वो मुस्कुरा पड़ते बहुत अच्छी तरह से, और जब उसकी पत्नी ने उनका फाड़ा था कागज, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने छोटी सी एक वीडियो भी उसकी बनाई, क्योंकि उतना प्रेम उनके अंदर था, लेकिन गुस्से की वजह से। और जब वो आपस में प्यार से एक दूसरे साथ देख रहे थे और एक दूसरे को हाथ भी पकड़ा उन्होंने अपना, तो बहुत ही सुकून मिलता है जब एक दो घर टूट रहे होते हैं, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है बच्चों पर पड़ता है। और इस उम्र में अगर ये काम करेंगे तो हम बड़े शिक्षा क्या देंगे बच्चों को, फिर हम बच्चों को कैसे कह सकेंगे अपना घर और परिवार बनाइए। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बड़े अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। और जब वो वहाँ पर खुशी खुशी दोनों ने अपना हाथ पकड़ा, वो वाकई में बड़ा एक कहते ना टचिंग मोमेंट था, बहुत ही खूबसूरत लम्हा था और जो बहुत ही अच्छा लगा।